God is one. It doesn't matter कि गणेशा जी की कैसे है और I'm seeking for the blessings. तो अच्छा लग रहा है. Thank you. Thanks for coming, Alina. क्या मांग इस बार क्या मांगा अपने पप्पा जी से? अपनी आने वाली मूवी के लिए सक्सेस मांगा था. पम्मी जी आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का गणपति आप रखते हैं कैसा? नहीं, 5 दिन का गणपति रखा है. फर्स्ट टाइम गणपति बिठाया है और गणपति पप्पा का आशीर्वाद मिले हम सबको और काफ़ी सारी ब्लेसिंग मेरे दोस्तों को भी मिले. और स्पेशली थैंक यू अलीना कि वो आई है. मैं चाहूँगी उसकी मूवी सुपर डुपर हिट हो, जो स्पेशल टाइम निकाल के वो आई है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है. तो कैसा रहा इनके साथ? गणपति पापा घर आए, काफ़ी अच्छा लगा. इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो गया और पापा का आशीर्वाद हमें, हमारी फैमिली को, हमारे दोस्तों को मिला. थैंक यू गणपति पापा. काफ़ी सेलिब्रिटी भी आए थे लेकिन आज नहीं दिख रहे, वो आने वाले हैं. अभी सब लोग आने वाले हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड आने वाले. और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि फर्स्ट डे मैं आप लोगों को इन्वाइट नहीं कर पाई. आप लोगों को कल भी आना है और रात तक आप लोगों को यहाँ रुकना है, कि मेरे बहुत सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स आने वाले हैं और बहुत सारे आके जा भी चुके हैं. तो ये साल क्या मांगा आपने पापा जी से? गणपति पापा से मैंने मांगा है कि मेरे को एक अच्छी सी मूवी मिल जाए और पम्मी सुपर स्टार बन जाए. अजय वैसे सीरियल आ रही है यहाँ पे कंटिन्यू, आप दिखते रहते हो टी वी पे. इस बार अभी प्लानिंग चल तो रही है, एक तो सीरियल के लिए शॉर्टलिस्टेड हूँ. गणपति पापा का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है इसी मतलब मेरा कुछ कंटिन्यूटी काम स्टार्ट हो जाए. आप सब लोगों की ब्लेसिंग से तमाम खाते. और कुछ ही दिनों के बाद पप्पा जाने वाले भी हैं, कल चले रहे हैं, तो दुख होता है आने पे कितनी खुशी होती है? पप्पा के जाने पे कितना गम या दुख होता है? आने पे तो काफ़ी खुशी होती है, जब वो जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. और पप्पा के आने से मेरी कुकिंग क्लास इम्प्रूव हो गई, जो इतने टाइम से मैं खाना नहीं बना रही थी वो पप्पा की वजह से बना पा रही हूँ और सबको अच्छा भी लग रहा है. अच्छा सही में किसी ने कहा है कि विश अगर पप्पा से विश जो मांगा है बताते नहीं है कि क्या मांगा है, अगर बता दिए तो पूरा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बता दो तो पूरा नहीं होता है. मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी सब फिल्मी फ्रेंड्स सब खुश रहें, सबको ब्लेसिंग मिले, सबकी सारी उम्मीदें पूरी हों, सबके सपने पूरे हों. और कितने साल से ये बिठा रहे हैं आप गणपति? और कितने नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम बिठाया गणपति और पप्पा के आशीर्वाद से मैं चाहूँगी कि मैं कंटिन्यू ऐसे गणपति पप्पा को बिठाऊँ और आप सब लोग ऐसे ही आते रहें. देखा जाए तो मतलब गणपति जो होता बैठाते तो उसी टाइम एक होता फैमिली साथ में होती है और गणपति पप्पा को छोड़ के जाना नहीं होता, कैसा लगता फिर उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आपका फैमिली मेंबर घर से निकल गया है. क्योंकि अभी पप्पा की वजह से जो घर में एक रंगारंग का माहौल बना हुआ है, हलचल मची हुई है, तो वो जब चले जाएंगे तो घर एकदम खाली हो जाएगा, तो आई थिंक नहीं अच्छा लगेगा. अलीना जी मेरा सवाल आपसे है, आपकी अपकमिंग मूवी जो है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे हम लोग. किस प्रकार के हाँ, व्हाट अबाउट से दैट हाउ योर कैरेक्टर एंड सीन, थोड़ा डिटेल्स इन दैट. मेरी जो अपकमिंग मूवी है वो हम नेक्स्ट मंथ शूट करने वाले हैं. इट इज़ अ मूवी, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट मूवी, मतलब प्रॉपरली आर्ट मूवी भी नहीं है और प्रॉपर कमर्शियल मूवी भी नहीं है. उसमें जो लीड कर रहे हैं वो नज़रुद्दीन शाह का बेटा है विवान शाह, तो मैं उनके ऑपोजिट हूँ एज ए सेकंड लीड. और ये मूवी एक बिहार की जो लोअर क्लास है उसके ऊपर है, थोड़ा सा कॉमेडी काइंड ऑफ, एंड द नेम इज कॉट. व्हाई चूजिंग बॉलीवुड? बॉलीवुड तो ये बचपन का सपना था, मतलब बचपन से क्रेज था बॉलीवुड मूवीज का. मुझे मेरा सपना था कि मैं कभी ना कभी मिथुन दा के साथ स्क्रीन पे नाचूंगी. अरे वाह, तो मिथुन दा से मुलाकात हुई, कुछ बात हुई कभी ऐसा? हाँ जी, मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली, आई थिंक 6 मंथ्स बिफोर. तो ऑब्वियसली उनको पता है कि राशि में उनको आइडल माने जाते हैं, तो मतलब इतना क्रेज है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. राज कपूर भी सबसे पहले बहुत फेमस हुए मॉस्को में, पर जितना लाभ करते मिथुन दा से किसी से नहीं करते राशि में. डिफिकल्ट है बॉलीवुड? डिफिकल्ट तो है, और स्पेशली फॉरेनर्स के लिए तो क्वाइट डिफिकल्ट है, बट मुश्किल है, मुमकिन नहीं है. ओके, बगल आपके फ्रेंड के लिए क्या शुभकामनाएं? एक क्वेश्चन आपसे, आप किसको मतलब किसके साथ काम करने को रखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में?
आनंद के साथ नहीं कर रही कोई सेलिब्रिटी हो जिससे आप आइडल मानते हो? पुराने एक्ट्रेस में मैं सच्ची बताऊँ, आप लोग हंसोगे अगर मैं बोलूंगी तो, सनी देओल मेरी फेवरेट हीरो है। आज उनकी एज काफ़ी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी उनके साथ में काम करना चाहूँगी। और सेकंड सपना मेरा सलमान जी है, मैं उनके साथ में काम करना चाहूँगी। कोई एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेस सलमान खान की भी तो एज हो चुकी है। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी सलमान खान के साथ मेरा भी सपना है काम करना। कोई एक्ट्रेस है जिसका नाम लेना चाहेंगे इससे आप? अलीना जी, आपके बदले उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? कि उनका सपना भी पूरा हो जाए, उनको भी मूवी मिल जाए। स्पेशल स्पेशल वर्ड अबाउट कमिंग, शी इज अ लवली गर्ल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और हम आर्टिस्ट की एक बॉन्डिंग हमेशा होते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग दे। और आप दोनों लगता है बहुत पक्की सहेली है, बहुत टेक केयर करती है एक दूसरे का। नहीं, हम सभी फ्रेंड्स एक दूसरे का टेक केयर करते हैं। ओके, जैसे कि सलमान खान के बारे में आपने बात की, बाली जी आने वाले क्या यहाँ पे? हाँ जी, मेरी निमा जी जो बाली जो है, निमा बाली, उनको भी बोला है, तो देखिए कब तक पहुँचते हैं। सलमान खान के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आज बिग बॉस लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहिए कि आपको प्रोमो कैसा पसंद आया? हाउ यू लाइक द प्रोमो? नहीं, अच्छा है प्रोमो, काफ़ी अच्छा है। और सलमान तो वैसे ही उसमें चार चांद लगा देते हैं। तो कितने एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए, मतलब क्या आपको? मैं सच्ची बताऊँ, बिग बॉस मैं इतना देखना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन सलमान जी की वजह से थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। ओके, यू लाइक द बिग बॉस? नहीं, मेरे साथ भी सेम है, मिथुन दा का नाम तो मैंने लिया है, पर ये मतलब ही वॉज माई फर्स्ट लव। आजकल जो है मेरा फेवरेट वो भी सलमान खान है। तो मैं भी बिग बॉस सिर्फ उनकी वजह से ही देखती हूँ, जब वो आते हैं तब। अदरवाइज यू डोंट लाइक? आई डोंट लाइक मच। थैंक यू। देखिए, बात यह है, मेरी तो शुरुआत ही गणपति बापा से हुई है। पता, हम लोग उल्लासनगर रहते थे तो जब भी गणपति आता था तो हमारी रिकॉर्ड डांस पार्टियां हुआ करती थी उन दिनों। जैसे मेरी त्रिमूर्ति एंड पार्टी थी जिसमें मैं काम करता था, तो मैं जितेंद्र साहब का डांस करता था, प्रेम चोपड़ा जी की एक्टिंग करता था, मिमिक करता था, तो हमें इतनी खुशी होती थी कि। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि गणपति में शोज होते हैं। लेकिन आज से 25 साल पहले, एक महीना पहले बुकिंग होती थी, हम इतने मतलब गणपति बापा को फिर विसर्जन करते थे। और फिर दूसरा साल कब आता था पता नहीं चलता था, गणपति नवरात्रि। आजकल तो सब कॉर्पोरेट शो होते हैं, सब चेंज हो गया मामला एकदम। तो कहीं ऐसा टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता? टैलेंट अभी दिखाने का सिर्फ टीवी में मौका मिलता है, और क्या है। अभी तो घर घर में टीवी है, इतने चैनल है, और उसके बाद डीजे आ गए। चलिए, पम्मी के लिए क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? हमारी शुभकामनाएं है कि ये खूब तरक्की करें। जैसे इन्होंने कहा, सलमान खान जी के साथ फिल्म करना चाहती हैं, अगले गणपति में आप उनके साथ फिल्म करें और हमें भूलिएगा मत। तो जी अपना नाम प्रेम रखते हैं, मेरा भी नाम प्रेम असली नहीं है। दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके दोस्त यहाँ पे आए? मेरे जो भी दोस्त हैं, स्पेशली पहले मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अपना कीमती टाइम निकाल के आए, क्योंकि आज की डेट में किसी भी आर्टिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो ज़्यादा कहीं रुक पाए। थैंक यू सो मच कि बप्पा की ब्लेसिंग हमारे साथ में इनको भी मिले। जैसे ये हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, ऐसे हम भी चाहेंगे कि ये भी ऐसी तरक्की करें और हम भी करें। कल भी आपको आना है गणपति विसर्जन के लिए, यहाँ पे तो मौजूद रहेंगे? अभी कल का नहीं बता सकता हूँ, कल मैं आजकल मैं उसमें बिजी हूँ ज़्यादा, आज तो शूट नहीं था करके आ गया। मुंडे जी ने मुझे कहा था कल फोन करके आपको आना है, बोला मैं बताता हूँ, क्योंकि 9:30 के बाद पता चलता है जो गणपति बापा सोचेंगे मेरे बारे में, सबके बारे में, सब आर्टिस्ट और आर्टिस्टों के गणपति बापा। मैं जो भी काम करता हूँ प्रेम से ही करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ प्रेम से ही जाता हूँ, और आज यहाँ आपके सामने और गणपति बापा का दर्शन करने और पम्मी जी ने बुलाया, यहाँ भी मैं प्रेम से ही आया हूँ, मुंडे जी के यहाँ भी प्रेम से ही आया हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणपति बापा, बोलिया प्रेम से। सर क्या कहना चाहेंगे मुंडे जी के बारे में? आप मुंडे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुंडे जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा हम तो मिलते हैं, अवार्ड फंक्शन हो या कहीं भी कुछ फिल्म का प्रीमियर हो तो हमारी बस
दोस्ती हो गई है और हमेशा ये दोस्ती रहेगी गणपति पापा के आशीर्वाद से। पंडित जी क्या कहना चाहिए आप? मम्मी जी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा विश्वजीत जो को, इनको हर कितने सालों से, काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, जब भी मिलते हैं मैं अपने इवेंट में बुलाते रहता हूँ, तो जब भी मैं बुलाता हूँ आते हैं मम्मी जी के लिए, वो ब्लेसिंग के लिए आए गणपति को आशीर्वाद मांगने के लिए। मम्मी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मम्मी जी भी ऐसा ही, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हर साल इनके यहाँ भी कुछ भी इवेंट होता है सब मैं अरेंज करते रहता हूँ उनके लिए, खुद होके बोल के करता हूँ। पहले दिन बुलाना था मगर थोड़ा सा मीडिया सब व्यस्त रहती है, इसलिए मैं बोला जब खाली खाली जिस दिन होगी उस दिन हम बुलाएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मुंडे जी को, क्योंकि आज आप सब लोग या जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सब मुंडे जी की वजह से ही हो रहा है, अगर वो अरेंज नहीं करते तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अरेंज कर पाती थी। थैंक यू सो मच मुंडे जी कि ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। जो गणपति पापा का ये जो इन्होंने आयोजन करी खुद कर रही है सुबह से, और पहले दो दिन से भी मैं आके देख रहा हूँ कैसे भाग दौड़ कर रही है। मैडम क्या कहना चाहिए? इतना अच्छा आपने डेकोरेट किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि पहली बार गणपति बाबा हमारे घर आए, और मैं एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में सोच नहीं पाई थी, 13 को गणपति स्टार्ट हुआ तो मैंने नाइट को 12 बजे डिसाइड किया कि मैं गणपति बाबा घर लेके आऊँगी, तो सब कुछ अचानक मुझे करना पड़ा। तो जो मेरे दोस्त, जो गॉड की ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है कि दोस्त काफ़ी अच्छे हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो मेरी फ्रेंड श्रद्धा है उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरी जो आंटी रीटा कॉल है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे गणपति के लिए, और बाकी फैमिली का सपोर्ट, उस वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई। पर्यावरण को कितना ध्यान में रख के आपने गणपति की अगर बात करें, इको फ्रेंडली गणपति है क्या है, जरा गणपति के बारे में विस्तार से बताएं मुझे। हाँ जी, एक्चुअली मैं खुद इको फ्रेंडली गणपति में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ तो वहाँ पे भी हम सबको यही बोलते हैं कि पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, तो इको फ्रेंडली गणपति जब मैं लोगों को बोलती तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी वही लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने भी इको फ्रेंडली गणपति लाई हूँ, ताकि हम इसकी अच्छे से पूजा करेंगे, फिर हम उसको तालाब में विसर्जित करेंगे, जो तालाब में जो पानी रहेगा वो हम पेड़ पौधों में डालेंगे, तो ताकि पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप यह गणपति में आए पम्मी जी के आशीर्वाद लेने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है जब किसी के गणपति में या किसी के घर जाते हैं, ऐसे सब त्यौहार चल रहा है और खुशियों का त्यौहार है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दें जी। मैं तो सबसे पहले गणपति बापा का आशीर्वाद ले रहा हूँ यहाँ पर, और पमीत जी को शुभकामना देता हूँ। यार क्या कर रहे हो राजू भाई, पहले परिचय तो दो अपना। मैं हूँ राजेश टाक फ्रॉम बॉम्बे म्यूजिक, बॉम्बे एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स। ओके, तो आज हमारा बस सभी गणपति बापा के बाद नवरात्रि गरबा बहुत नजदीक आ रहा है, तो उसमें हम काफी मेहनत कर रहे हैं अभी से ही, तो माता जी का त्यौहार नजदीक आ रहा है और पमीत जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ आने वाले दिन के लिए, और आज जो गणपति का त्यौहार है जो आपके घर में रखा है, तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे कि आपके पास यहाँ पे दर्शन पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे दोस्त जो राजेश ठक्कर बहुत ही अच्छा प्लेइंग करते हैं हवाइन गिटार, तो सुनहरा मौका है उनके साथ काम करने का, और मुंडे जी और मीडिया की टीम का बहुत बहुत आभारी है हम लोग कि हर टाइम हमको बुलाते हैं आप लोग, तो उससे ज़्यादा और खुशी की बात नहीं होती हमारे लिए। मैं चाहता हूँ राजेश भाई, राजेश ठक्कर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, शुभ अवसर पर? पहले तो गणपति बापा और दूसरा जैसे राजू टैंक साहब ने कहा, मैं परस्यू करता हूँ हवाइन गिटार, और मैंने करीब 20-25 एल्बम टी सीरीज के लिए किया है, और सिंगल्स वगैरह काफ़ी मैं अभी जितने भी नए पिक्चर आ रहे हैं उसके जितने भी पॉपुलर सॉन्ग्स रहते हैं उसका इंस्ट्रूमेंटल मैं टी सीरीज के लिए करता हूँ, और भी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के लिए भी किया हुआ है। ये जो साज आपने सुना होगा अभी, जो मैंने कुछ गाने धुन बजाई थी, तो ये एक बहुत रेयर साज है, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो इसे परस्यू करते हैं, बजाते हैं, और इतना पॉपुलर नहीं है, फिर भी हम उसको एक उसे कहते हैं कि एक दिल से, इट इज़ लाइक अ गायकी इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम प्रमोट और मैं एक प्रोफेशनली इसको इतना आगे लोगों को मालूम पड़े कि ये साज क्या है, क्योंकि मुंबई में कहीं पे भी आपको साज देखने नहीं मिलेगा, तो बस यही है, और इतना है कि ये एक एक्सटेंशन बन गया है हमारे सोल का, बॉडी का, तो संगीत तो ऐसा है कि आपको दिल से जुड़ा हुआ रहे तो आगे बढ़े,
सबका अच्छा हो। चलते चलते दो लाइन अगर संगीत हो जाए बप्पा पे, कोई गाना स्पेशल गाना अगले जी, आप दोनों मिलके। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को खाया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति।
यही मेरी हमेशा से ही रहती है कि हर इंसान को कभी कोई दुख ना पहुंचे, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। ये बेस्ट विशेष हमेशा मैं मांगता रहता हूँ। ओके, क्या कहना चाहिए पम्मी जी? पम्मी जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी हर मनोकामना जल्द पूरी हो। जो इनकी फिल्म रुकी हुई है वो भी जल्द से जल्द रिलीज हो, और सलमान जी के साथ जो इनकी इच्छा है काम करने की वो भी बहुत जल्दी पूरी हो। थैंक यू। मेरी हमेशा मेरी विशेष हमेशा पम्मी के साथ रहती है। वी आर फैमिली, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और अब तो बप्पा जी भी घर पे आ गए हैं, तो ये डबल खुशी की बात है। और बप्पा जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी इनकी ये हर मनोकामना पूरी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीर्वाद से मुझे अभी थोड़ा याद आया। हाँ बोलिए बोलिए। बप्पा की ब्लेसिंग से मैं काफ़ी तरक्की कर रही हूँ, और इस मंथ भगवान ने चाहा तो मैं प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, और श्रेयस मेरे प्रोडक्शन हाउस के लीगल एडवाइज़र हैं, तो जो भी लीगली काम जो भी रहेंगे वो श्रेयस हैंडल करेंगे। और अभी इसी मंथ में मैंने पावना वैली एक रिसोर्ट है लोनावाला में, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई मैं, और उस रिसोर्ट की ओपनिंग मैंने की है। तो मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने दोस्तों से, मेरे जो भी फ़ैन वगैरह सबसे कहना चाहूँगी कि पावना वैली रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है, मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे प्रमोट कीजिए, और आप एक बार वहाँ पर ज़रूर जाइए। पावना वैली रिसोर्ट आप घूमेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, और एक लेक पावना लेक है उसके बीच में वो रिसोर्ट बना हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने बंगलों की स्कीम्स भी डाली है। अगर कोई वहाँ पे जाके अपना खुद का बंगलो परचेज करके रहना चाहे तो वो भी रह सकता है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे अपना एक सेकेंड होम बनाया है। तो मैं चाहूँगी मेरे सारे जितने भी फ़ैन या मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जाएँ, और स्पेशल मेरी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा। जो मेरे हमारे उस पावना वैली रिसोर्ट के जो तीन ऑनर हैं, अशोक चौधरी जी, हाँ तो श्रेय जी आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। जी श्रेय जी बताएँ, बंगलों के बारे में बताएँ, और कितना सस्ता होगा और क्या होगा, आम आदमी ले पाएगा क्या वो बंगलो? देखिए मैं तो खाली लीगल एडवाइज़र हूँ, बाकी पम्मी जी ने वहाँ इनोग्रेशन किया है और कई तरह के बंगले हैं वहाँ, जिसको भी जैसे भी पसंद आता है 50 बंगले हैं वहाँ बुक कर सकते हैं, और बिल्कुल नेचर से मोहब्बत हो जाए ऐसी जगह पर स्थित है। तो मैं पम्मी जी को यही बोलूँगा कि हमेशा वो वहाँ जाते रहे, और अभी बप्पा जी की कृपा है तो पम्मी जी को बहुत सारी फिल्में मिले, सीरियल मिले, मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बंगलों की बात करें, रो हाउस की बंगलों की बात करें पम्मी, तो क्या अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट होगा शुरुआती अगर कॉस्ट की अगर बात करें तो? आई थिंक उन्होंने हमें मतलब 3 CR के आसपास कुछ बताया था, 3 और 4 के बीच में वहाँ की, क्योंकि सभी बंगलो डिफरेंट एरिए में है, सबकी कॉस्ट कितना एरिया होगा, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कैसा एरिया के बारे में तो मैं डिटेल नहीं दे सकती। 2600 square feet आई थिंक, मतलब 7 या 10 acres में वो प्लॉट बना हुआ है पूरा, जो एरिया जितना भी है 7 acres में बना हुआ है वो। और अभी जब मैं उसकी ओपनिंग के लिए गई थी तो मैंने फोटोज़ भी डाली थी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, जो मैंने फेसबुक और इंस्टा पे अभी तक अपडेट नहीं की है, तो मैं अपडेट करूँगी, तो आप देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो उस जगह से प्यार हो गया, और आप लोग भी जाएंगे तो आप लोगों को प्यार हो जाएगा, और मैं चाहूँगी मेरी जितने भी मीडिया वाले वो भी वहाँ जाएं, मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। क्या डिस्काउंट होगा, कितना? आप जो चाहेंगे वो डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाइए। ओके, प्रोडक्शन हाउस की बात की है तो प्रोडक्शन हाउस की मैं भी एक्चुअली में नाम मैंने डिसाइड किया है, लेकिन अभी लॉन्चिंग का डेट मैंने डिसाइड नहीं किया है। मैंने आप लोगों को आज इसलिए अनाउंस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा वापस आना है। फैमिली पिक्चर्स के नाम से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें फिल्म आप बनाने वाली और सलमान खान को लेना है। अभी इतनी औकात तो नहीं बनी कि मैं सलमान जी, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, रातों रात कब क्या दुनिया पलट जाए कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर आ जाऊं और सलमान जी मेरी मूवी में काम करें और मैं भी उनके साथ में काम करूं। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे कि जो मेरा प्रोडक्शन मैं स्टार्ट कर रही हूँ फैमिली पिक्चर्स, उसमें ब्लेसिंग मिले, गणपति बप्पा की ब्लेसिंग मिले कि वो मेरा प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे देने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया इनको जानती है, ये फेमस एक्ट्रेस है सुरभि तिवारी, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल के आई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हैज टू कम, पम्मी जी के गणेश जी हैं तो आना ही था मुझे,
एंड आई एम सो ग्लैड उन्होंने शायद पहली बार गणेश जी रखा और स्ट्रेट अवे 5 दिन की. मैंने कहा लोग डेढ़ दिन तीन दिन रखते, तुम पहली बार रख रही हो, उन्हें नहीं सीधा 5 दिन. मैंने कहा वेरी गुड, ये अगर हालत है तो अगले साल सीधा 11 दिन के होंगे. हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा फिर आने के लिए, क्योंकि डेढ़ दिन के गणपति हमें भगा देते हैं सब जगह. यू नो आई साइला चड्ढा जी के यहाँ पे गणेश जी थे, काफ़ी टेलीविजन एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स. मैं तो एक दिन आई थिंक 19 गणेश जी अटेंड कर रही थी. आई एम ग्लैड किसने 5 दिन के रखे. नहीं मैंने इसीलिए रखा कि डेढ़ दिन में हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, सब मिल नहीं पाते, तो 5 दिन में एटलीस्ट सब एक दूसरे के घर जा पाएंगे. एंड गणेश जी आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, हम लोग को छुट्टी होती है प्रॉपरली, थैंक गॉड सिंडा की वजह से. एंड हम लोग को वो एक टाइम होता है जहाँ सब एक दूसरे को अपने घर बुला लेते हैं कि अरे गणेश जी आए हैं. तो साल में एक बार यू गो एंड मीट पीपल, यू नो मम्मी तो क्या हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सो वी बम्प इनटू ईच अदर वेरी ऑफन. लेकिन जो दूर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या को एक्टर्स हैं, तो साल में एक दिन होता है कि अरे अरे हाँ मैं गणेश जी पे आऊँगी ना गणेश जी पे आऊँगी. तो एटलीस्ट गणेश जी आते हैं तो एक गेट टुगेदर टाइप्स हो जाता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग. थैंक यू.